चैप्टर वन खत्म हो चुका है क्लास 10th का साइंस का, और अब हम करेंगे उसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो आपके बुक के बीच में दिए होते हैं। तीन सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पेज नंबर 6 पे दिए हुए हैं, 10 पे दिए हुए हैं और पेज नंबर 13 पे दिए हुए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा पढ़ाई का चैनल एनसीईआरटी मैथ साइंस 9th 10th। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पहला सेट। क्वेश्चन नंबर जो प्रेजेंट है पेज नंबर 6 पे, क्वेश्चन सेट 1 है। तो क्वेश्चन सेट 1 प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 6। क्वेश्चंस आपको लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन में भी दिख जाएंगे, मतलब कि आपका राइट होगा, मेरा लेफ्ट है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ता है एयर में बर्न करने से पहले? बाय द वे, मैग्नीशियम रिबन जब एयर में बर्न होते तो क्या होता है? Mg+O2 गिव्स टू 2MgO, ऐसा कुछ बनता है। तो ये काली काफी रिएक्टिव होती है, इट इज वेरी रिएक्टिव। सो मैग्नीशियम रिबन इज हाईली रिएक्टिव। Is highly reactive. क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है, तो वेन एवर इट इज एक्सपोज टू एयर इट ऑलवेज फॉर्म MgO। तो हमेशा MgO बना के रखती है। तो जब आपको इसको बर्न करना होता है तो यू नीड टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ MgO। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर टॉप पे MgO की लेयर मिल जाएगी आपको, छोटी 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 बहुत पतली सी थिन लेयर। आपको लेयर क्लीन करनी पड़ेगी सो दैट Mg कैन बी विजिबल। सो यू नीड टू क्लीन द लेयर सो दैट। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका कि अ थिन लेयर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड। You need to clean it, यानी कि we need to clean it to remove MgO, जो MgO बन गया था उसको रिमूव करने के लिए, उसके बाद ही ये बर्न हो सकती है। ठीक है, दैट वॉज द रीजन। ऑल राइट, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पेज 6 पे ही है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अगेन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कौन क्या केमिकल रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस क्लोरीन मतलब CN2। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl होता है। ऑल राइट, अभी देखो बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम और HCl का, यहां पे हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1। हमको सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे बड़ा मॉलिक्यूल पकड़ना है। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है? ये वैसे तो यहां पे सब में 2-2 एटम है, लेकिन हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, इधर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। तो फर्स्ट इटरेशन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको क्या करना है? बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो फर्स्ट इटरेशन के बाद आएगी वो आएगी 2HCl। बस अब देखो, 2 हाइड्रोजन इधर चेक कर लेते हैं, 2 क्लोरीन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, तो बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। इनको केमिकल फॉर्मूले सबके लिखने पड़ेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, बेरियम फ्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा? BaCl2, यही होता है बेरियम फ्लोराइड का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, और इसको जब मिलाया गया तो बना क्या? बेरियम सल्फेट,
BaSO4 plus aluminium chloride AlCl3 chloride aluminium की valency ठीक है. तो ये बन गया आपका. आप और से देखो सब कुछ imbalance है. बेरियम एक है, बेरियम एक है, बेरियम बैलेंस है. कैल्शियम के दो है, यहाँ पे तीन है कैल्शियम. एल्युमिनियम के दो है, एल्युमिनियम का एक ही है, और SO4 के तीन है, SO4 का एक. किसको पकड़ना है सबसे पहले, किसको बैलेंस करें? SO4 को बैलेंस कर ले पहले, क्योंकि इसको बैलेंस करते हैं. एक एल्युमिनियम के दो और SO4 के तीन, टोटल मिला के यहाँ पे कितने है? पांच. मतलब एटम तो बहुत ज्यादा है. एल्युमिनियम के दो, सल्फर के तीन, ऑक्सीजन के 4 × 3 सबसे ज्यादा यहाँ पर. इसको बैलेंस करना है ठीक. सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ पे एल्युमिनियम दो था और SO4 तीन था, यहाँ पे एल्युमिनियम एक है और SO4 एक. तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको दो से. तो फर्स्ट इटरेशन के बाद जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी. फर्स्ट इटरेशन के बाद BaCl2 plus Al2SO4 इसको बेरियम को SO4 को तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3BaSO4 प्लस एल्युमिनियम को 2 से 2AlCl3. तो अब हमने एल्युमिनियम बैलेंस कर दिया, SO4 बैलेंस कर दिया, SO4 साथ साथ ले रहे हैं ना. अब हमारे पास क्या अनबैलेंस बचा यहाँ इस इक्वेशन में देखो. बेरियम 1, बेरियम 3, क्लोरीन 2, क्लोरीन 6, 3 × 2. बेरियम तीन है तो यहाँ पे बेरियम को हम इसको बेरियम बैलेंस. अब तो बेरियम अनबैलेंस चल रहा है और क्लोरीन अनबैलेंस चल रहा है. कौन सा मॉलिक्यूल सेट कर रहे? ये तो हमने सेट कर दिया. अब हम कौन सा उठा लें? ये तो पूरा बैलेंस ही किया, इसको कर लेते हैं AlCl3 ठीक. तो इसमें एल्युमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, दो और दो, क्लोरीन तीन है, तीन दूनी छह है क्लोरीन. यहाँ पे 3 × 2 यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2. सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे हम? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3. अब देखो क्या है. बेरियम 3, बेरियम 3 यहां पे देख सकते हैं. बेरियम Cl कितना इधर? इधर भी 3. Cl कितना इधर? 3 × 2 6. इधर कितना है? 3 × 2 6. एल्युमिनियम कितना है? 2. एल्युमिनियम कितना है? 2. SO4 कितना है? 3. इधर कितना है SO4? 3. हो गई बैलेंस. सो दिस प्रेजेंट बैलेंस इक्वेशन टोटली बैलेंस हो गई. टफ क्वेश्चन था, दो इटरेशंस में बैलेंस हुआ. हमने भी ट्रायल एंड एरर किया. अगर नहीं हो रहा होता तो फिर अगली बार कुछ और ट्राई करते, कुछ और ट्राई करते हैं राइट. तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर करने के साथ ही हम इसको बैलेंस कर सकते हैं. थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो बोलता है सोडियम प्लस. ये है क्वेश्चन ठीक है, आपकी बुक पर भी दिया हुआ और आपके लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पे भी मिल रहा है. सॉल्यूशन क्या है इसका? सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का सिंबल Na प्लस वाटर का H2O गिव्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2. हमें सिंपली जो ये लिखा होता है इनका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया. सबसे पहला स्टेप तो यही था. सेकेंड स्टेप क्या था? इसके देखना बैलेंस है कि नहीं है. 2 इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, तो इधर एक इधर. तो क्या करते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इसको भी 4 कर लेते हैं. तो ये अपना बन गया Na प्लस 2H2O. इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया NaOH प्लस H2. हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 सोडियम इज 2, सोडियम इज 1. तो फर्स्ट इटरेशन तो ये हो गया मेरा. सेकंड इटरेशन में क्या होगा हमारा? कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2Na प्लस H2O gives 2NaOH plus H2. अब देखो जरा, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 इधर से आगे, 2 इधर से आगे, 4 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 यहां से आगे, बैलेंस.
आएगा जरूर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन, बैलेंसिंग का क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्वेश्चन थ्री में भी कई सारे पार्ट हैं, क्वेश्चन थ्री का पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन थ्री का पार्ट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम फ्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल फॉर्मूला देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives, क्या देता है आपको? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, ये है आपको करना है, आपको इसे बैलेंस। ठीक, अभी देखो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ए टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, यही भी टेबल बनाएंगे सबसे पहले। यह है एक्चुअल में तरीका, आपको ऐसे ही करना है। ये टेबल बनाइए पहले, सारे एलिमेंट्स लिखिए, BaCl, Na और SO4 को एक ही ले लेते ना। ठीक, अब देख लीजिए आप क्या हालत चल रही है। अभी पहला जो इटरेशन हो रहा है बेरियम का, इधर कितना है? एक। इधर कितना है? एक। क्या क्लोरीन कितना है? इधर दो। इधर कितना है? एक। Na कितना है? दो। इधर कितना है? एक। SO4 कितना है? इधर एक, और इधर एक, और इधर भी एक। ठीक, तो गौर से देखो, अब पहला इटरेशन करो। सबसे बड़ा इधर क्लोरीन दो थे, उधर एक है, इधर Na दो थे, उधर एक है, तो क्या करना है? कौन सा मॉलिक्यूल पकड़े सबसे? इसको पकड़े Na2SO4 या फिर BS4। Na2SO4 को पकड़ते हैं और इसमें Na को बैलेंस करते हैं, तो इधर दो है तो इधर वाले को भी दो कर देते हैं, जंजट खत्म। तो पहले इटरेशन के बाद आ गया आपका BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl, और इसको कर दिया 270। सोडियम बैलेंस, SO4 ऑलरेडी बैलेंस था, अब क्या बन गया आपका? बेरियम एक, कैल्शियम दो, सोडियम दो, SO4 एक। इधर बेरियम एक, कैल्शियम दो, सोडियम ही दो और SO4 एक। बेरियम एक है, कैल्शियम दो, Na2SO4 एक। इधर बेरियम एक हो गया, Cl दो हो गए, Na भी दो हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन टोटली बैलेंस हो गई। कैसे पता चला आपको इक्वेशन बैलेंस हो गई? देखो ना, ये पूरा और ये पूरा सेम हो गया ना, तो बैलेंस हो गई। यही होते हैं स्टेप्स, आपको सबसे पहले कॉलम बना लेना है और फिर चेक करते जाना है कि बैलेंस हुए कि नहीं हुए। दिस वुड हेल्प यू ऑल। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। यू कैन रीड द क्वेश्चन, मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा। क्वेश्चन सेज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O। ये देख रहा है, देखो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। सोडियम लिखा इधर आपने, फिर OH, OH को पूरा आयन ले लिया एक साथ ही, और हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं है। तो इनिशियली कितना था सोडियम? एक। यहाँ कितना था? एक। OH कितना है यहाँ पे? एक। ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, गलत हो रहा है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेनी पड़ेगा। ऐसे कर देते हैं, ऑक्सीजन कितनी? एक। इधर कितनी? एक। हाइड्रोजन कितनी? एक प्लस एक दो। इधर कितनी? दो। क्लोरीन कितनी? एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो बैलेंस है ऑलरेडी। व्हाइट वॉशिंग के लिए एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है एक सब्सटेंस एक्स का, तो वो क्या होगा? देखो आपके बुक में भी दिया हुआ है, वो कौन सी चीज होती है जिसको हम
चूने चूना बेसिकली होता क्या है? CaO होता है, CaO। चौथा ऑप्शन था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब हम पानी ऐड करते हैं H2O तो हमें मिलता है क्या? CaOH होल ट्वाइस। ये होता है स्लेट लाइम, SLAKED लाइम। ये होता है क्विक लाइम। जब इसको पानी मिला तो ये वो पार्ट होता है जिसमें चूने का पत्थर लेके आते हैं और उसमें पानी ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये इक्वेशन बैलेंस है, कैल्शियम हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो। अब उसके बाद क्या होता है? CaOH चूना होता है, इसको फिर इसमें ब्लू वगैरह डाल के इसकी पुताई करते हैं। पुताई करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस जब सूखता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? एटमोसफेयर से। से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है इसको और ये बन जाता है CaCO3+H2O। बैलेंस है कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन चार यूज हाइड्रोजन दो, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं और इसको भी ट्वाइस कर देते हैं CaCO3। ऑक्सीजन कितनी है? 3+1 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितनी है? 2 और 2 4 4 है। और कार्बन कितना? एक एक। हाँ ठीक है, पूरा बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस जरूरत नहीं मिल पाएगा, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बनता है, ये जो होता है, ये होता है आपका जो सफेद सफेद दिखता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट लेयर होती है, प्रेसिपिटेट नहीं होता, विजिबल आफ्टर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग कर लेते हैं उसके बाद जो बनती है लेयर, जो मोटी लेयर मतलब पतली सी लेयर होती है, वो CaCO3 होता है। ठीक। हाँ, तो हमने दोनों पार्ट कर दिया, राइट? द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन वन अबाउट विद वाटर। तो वाटर वाले रिएक्शन ये रहा, ये बन गया स्लेट लाइम। स्लेट लाइम को वापस हमने जब पुताई कर दी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं पेज नंबर 10 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं करता हूं इसको डिलीट। टू सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल्स द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर। अच्छा, एक्टिविटी 1.7 याद है? पढ़ी नहीं है तो याद क्यों? बता देते हैं एक्टिविटी 1.7 क्या थी। एक ऐसे बीकर था, क्या थी एक्टिविटी 1.7 याद आया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया था हमने एक्टिविटी 1.7 में। लिख देता हूं मैं यहां पर, एक्टिविटी 1.7 वाज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है? उसमें पानी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, H2O से जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किया नहीं होगा कुछ, इसीलिए कभी कभी एरो के ऊपर हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करी वाटर की, तो क्या बना हमारा? H2+O2 बैलेंस है? नहीं है। इधर हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एक, यहाँ पे कर दिया डबल। ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन चार, यहाँ पे कर दिया डबल। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ध्यान देखो, इक्वेशन को देखो, दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे दो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो यहाँ पे। These are two molecules. This is one molecule. And this is also two molecules. The two molecules of water break, two molecules of hydrogen are created and two molecules of oxygen are created. One molecule. Oxygen जहां पर भी होगी,
यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे मिलेगा आपको एच टू, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये डबल होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल एक मिलेगा तो ये कम होगी हाइड्रोजन से, दैट इज द रीजन. तो रीजन लिखेंगे बिकॉज व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक्स ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बट टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आर रिलीज्ड, ये है इसका रीजन. रीजन लिख लेते हैं हैशटैग डाल करके, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इलेक्ट्रोलाइज्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज जनरेटेड, और इसलिए हाइड्रोजन जो होती है वो डबल होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है. चलो हमने ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म कर दिया. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस पे. तो पेज नंबर 13 में जो क्वेश्चन सेट दिया उसमें पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped into it? Copper sulfate का जो solution होता है उसका रंग क्यों बदल जाता है? तो copper sulfate solution का रंग क्यों बदल जाता है जब उसमें iron add किया जाता है, iron की कोई चोबा या पीला है. CuSO4 plus Fe क्या बन जाएगा यहाँ पे? FeSO4, Fe2SO4 whole thrice. ये हो गया बैलेंस. तो क्या होता है कि आयरन जो होता है ना वो कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है. आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड दैट इज द रीजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दैट इज द रीजन CuSO4 हैज अ ग्रीनिश कलर बट Here there is no CuSO4. देखो कहाँ है CuSO4? FeSO4 है. और ऐसे FeSO4 का कलर ग्रीन नहीं होता है. तो ये जो ग्रीन कलर होता है वो एक रस्टी कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि जो CuSO4 था वो चेंज हो गया FeSO4 का, कॉपर प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है. तो ये तो हो गया प्रेसिपिटेट डाउन एंड द रीजन इज बिकॉज Fe यानी कि आयरन रिप्लेसेस copper from CuSO4. ठीक है, जब CuSO4 से रिप्लेस कर दिया तो Heinz after reaction, रिएक्शन होने के बाद there is no CuSO4 left for color. तो कलर किसका आएगा? FeSO4 का कलर तो ग्रीन होता नहीं है. ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 13. गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10. अरे यार अभी तो कर रहे थे, बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. अभी हमने किया था ना, क्या बैरियम सल्फेट वाला किया था ना, क्या था ये था ना BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice, क्या मिल रहा था? AlCl3 plus BaSO4 यही मिला था. याद आया कि नहीं याद आया? इधर तीन थी, इधर ये तीन हो रहा था तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो SO4 बैलेंस हो गया. ठीक है, Ba तीन हो गया तो Ba को इधर तीन से मल्टीप्लाई कर दिया. Cl 6 हो गया तो Cl को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया. सो ये देखा डबल डिस्प्लेसमेंट, बैरियम क्लोराइड में से क्लोराइड अलग हो गया, एल्युमिनियम सल्फाइड सल्फेट में से सल्फेट अलग हो गया, बैरियम सल्फेट बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया. हुआ क्या डबल डिस्प्लेसमेंट? बैरियम के साथ आ गया सल्फेट छोटू भाई और एल्युमिनियम के साथ आ गया क्लोराइड बड़ा भाई, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया. दिस इज डबल displacement.
रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी आयन डिस्प्लेस हुआ, इसका भी आयन डिस्प्लेस हुआ, इसने एल्युमिनियम ने बेरियम को घर से बाहर निकाला, बेरियम ने एल्युमिनियम को भी घर से बाहर निकाला, दोनों दूसरे दूसरे के घर में जाकर बैठ गए। ठीक, ऑलराइट, डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? पहला है दूसरा है CuO plus H2 gives Cu plus H2। हमें ये बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ। ऑक्सीडाइज वो होता है जिसको ऑक्सीजन मिल, यानी कि रिएक्टेंट हु गॉट ऑक्सीजन, ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। और रिएक्टेंट हु लॉस्ट ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ये डेफिनेशन होती है, देख लो किसको ऑक्सीजन मिली भाई, इसी में देख लो ना, सोडियम को मिल गई ऑक्सीजन, ये रिएक्शन सोडियम अकेला था, यहां पे क्या बन गया, ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और रिड्यूस कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन थी वो एना के साथ मिल गई, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो रिड्यूस कुछ हुआ नहीं। यहां पे सीयू के पास ऑक्सीजन थी, यहां पे क्या, सीयू के पास ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्टेंट हु लॉस्ट ऑक्सीजन, ये रिड्यूस हुआ क्योंकि लॉस्ट ऑक्सीजन है। देख, रिएक्टेंट्स को गॉट ऑक्सीजन, किसको ऑक्सीजन मिली, इसको ऑक्सीजन मिली, हाइड्रोजन था यहाँ पे, क्या बना, H2 के साथ हो आ गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। और ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स पर ही लागू होती हैं। किस पे लागू होती है, रिएक्टेंट्स पे, ये चीज याद रखना। कभी भी तुम ये नहीं बोलोगे कि यार CU था, CU ने यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर दी, गेन कर ली, तो CU ऑक्सीडाइज हो गया। भाई साहब रिएक्शन की डायरेक्शन देखो ऐसे है, इधर से इधर जाने, तो CuO से CU बना है, ना कि CU से CuO। जैसे देखो आप यहाँ पे देखो बोलोगे यार H2O बन गया, वाटर गेन बन गया, गेन किसने किया, H2 ने किया ना ऑक्सीजन को, तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, H2 ऑक्सीडाइज हुआ। रिएक्टेंट्स ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होते, जब तक वो रिएक्शन आप उल्टा ना लिखो, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बनाओ। अभी के केस में अपने रिएक्टेंट CuO प्लस H2 है, और ये गाड़ी ऐसे बढ़ रही है, तो जब गाड़ी ऐसे बढ़ रही है तो यही दोनों या तो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे या कुछ भी होगा इनके साथ, गाड़ी ऐसे बढ़ रही है, ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट कर दिया, और मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दिस थॉट हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।